नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ एस सी का जो पेपर होगा आपका पाँच सितंबर को ए ओ ए, ओ का तो मॉडल पेपर सेवन है और क्वेश्चन जो डिस्कस होंगे अभी वो होंगे आपके इकतालीस से लेकर साठ तक तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन uh, सीरीज को तो पहला क्वेश्चन लिखा टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज तो इन्हें प्राइम कॉस्ट बोला जाता है क्या बोला जाता है प्राइम कॉस्ट बोला जाता है तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है द प्राइम कॉस्ट ऑफ द फर्म एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द मटेरियल्स अभी देख लीजिए ये डायरेक्टली रिलेट करता है किससे मटेरियल से एंड लेबर यूज्ड इन द प्रोडक्शन दोनों से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है इट रैफर्स टू द रेफर्स टू अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट विच आर कैल्कुलेट टू इंश्योर द बेस्ट प्रॉफिट मार्जिन फॉर अ कंपनी अब यहाँ पर जो की वर्ड्स हैं एक तो आपने दिमाग में रखना है कि डायरेक्टली रिलेटेड है मेटेरियल लेबर यूज जो होती है आपकी प्रोडक्शन में दूसरी आपकी uh, जो यहाँ पे कनेक्ट करना आपने वो दिमाग में रखना है कि बेस्ट प्रॉफिट मार्जिन आपका प्राइम कॉस्ट निकाल के लाता है नेक्स्ट लिखा हुआ प्राइम कॉस्ट रेफर टू द फर्म एक्सपेंसेस दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मटेरियल एंड द लेबर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप सभी जानते हैं रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और ऑफर अ सर्विस तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है कॉस्ट ऑफ सेल देखें तो लिखा हुआ है रेफर टू द डायरेक्ट कॉस्ट एंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बाय एन एंटिटी इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जितना आप बेच के ले लेते हैं पैसा तो उसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड वर्क कॉस्ट आती है तो लिखा हुआ कलेक्टिव कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट रिसोर्स परफॉर्मिंग द वर्क 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 इज द शेयर ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द जनरल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सपोर्टिंग द गेटिंग द वर्क डन अच्छा नेक्स्ट लिखा वट आइटम इज नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सा आपका आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में काम नहीं करता है या फिर इंक्लूडेड नहीं होता है तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग तो बिल्कुल आपकी आती है उसके बाद आपका प्रॉफिट शेयरिंग भी उसका पा, आपका पार्ट होता है और यहाँ पर अगर देखेंगे कंट्रोलिंग भी उसका पार्ट होता है कॉस्ट uh, अकाउंटिंग है ना प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता प्लानिंग की जाती है कंट्रोलिंग की जाती है प्रॉफिट uh, शेयरिंग नहीं होती ठीक है ना हाँ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती प्रॉफिट क्योंकि कॉस्ट की बात कर रहा ना कॉस्ट में आपका प्रॉफिट नहीं जोड़ा जाता तो देखो आपका प्लान किया जा सकता है कंट्रोल किया जा सकता है और प्रोडक्ट किया जाता है प्रोडक्ट की जाती है कॉस्टिंग को तो प्रॉफिट शेयरिंग उसके बाद की प्रोसेस होती है तो आंसर यहां पर जो होगा ये आपका आंसर बन जाएगा जो पार्ट नहीं होगा किसका कॉस्ट अकाउंटिंग का बाकी सारे होते हैं लेखाओ कॉस्टिंग इज द क्लासीफाइंग Uh, recording and the appropriate allocation of the expenditure for the determination of the cost of the products or the services and for the presentation of the suitably arranged data for the purpose of the control and the guidance of the management Profit sharing is not included in the cost accounting because it is a part of the financial accounting Cost accounting includes the product costing planning and the controlling Next uh, financial accounting Financial accounting is the process of preparing the financial statement that companies use to show their financial uh, performing and the position to people outside the company इंक्लूडिंग द इन्वेस्टर्स इसमें कौन कौन से इंक्लूड हो जाते हैं इन्वेस्टर्स हो जाते हैं क्रेडिटर्स सप्लायर्स एंड द कस्टमर्स इट इंक्लूड द प्रॉफिट शेयरिंग एंड द अटिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस अब यहाँ पर आपका इंक्लूड होता है कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग इंक्लूड होता है किसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब आपका अकाउंटिंग आपकी की जाती है अच्छा नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग तो लिखा हुआ है इट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ द डिटरमाइनिंग द ऑल द बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ रिटेनिंग टू द्रिएशन ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट दिस कॉस्ट कैन इंक्लूड रॉ मेटेरियल मेटरियल इसमें देखो रॉ मेटेरियल परचेजेस आ जाती हैं वर्कर वेगज आ जाता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग में जो शुरुआत में आपका पैसा खर्चा होता है प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिटेल शुरुआत में जितना भी खर्चा लगा uh, बोल सकते हैं प्रोडक्ट को बनाने में वो सारा आपका प्रोडक्ट कॉस्टिंग में आता है फाइनेंशियल कॉस्टिंग में आपका क्या आ जाता है सारी चीजें इन्वेस्ट इन्वेस्टर्स आ जाते हैं क्रेडिटर्स आ जाते हैं सप्लायर्स आ जाते हैं कस्टमर्स आ जाते हैं उसमें कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग भी देखने को मिलता है अच्छा नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कॉस्ट दैट इज किया ट्रेसेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज तो जो आसानी से आपकी क्या हो सकती है ट्रेस uh, हो सकती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है आपकी तो लिखा हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट इज द प्राइस दैट कैन बी डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज अ डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी ट्रेस टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी सर्विसेज प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट एंड द डिपार्टमेंट अब ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कैन बी ट्रेस्ड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी सर्विस हो सकती हैं प्रोडक्ट्स हो सकते हैं फिर आपके डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं इट इज टोटली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक आइटम सच एज द प्रोडक्ट और सर्विसेज़ फॉर एग्जाम्पल द कास्ट ऑफ द मेटेरियल यूज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट दे आर वेरी फ्यू डायरेक्ट कॉस्ट लिखा हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट आर द ऑफ अन वेरेबल कॉस्ट मीनिंग दे फ्लक्चुएट विद द प्रोडक्शन लेवल सच एज द इन्वेंट्री अब सिंपल सी बात है आपका मार्केट के हिसाब से आपकी क्या होती है आपकी फ्लक्चुएट भी होती है कभी ऊपर बढ़ जाएगी कभी नीचे चली जाएगी नेक्स्ट पॉइंट लिखाओ द कॉस्ट ऑफ एनी कंज्यूमेबल सप्लाइज डायरेक्टली यूज टू मैन्यूफेक्चर अ प्रोडक्ट कैन बी कंसिडर अ डायरेक्ट कॉस्ट द प्रोडक्शन लेबर इज फ्रीकवेंटली नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज एम्प्लाइज यूजली आर नॉट सेंट होम इफ देर इज वन लेस इंक्रीमेंटल आइटम बींग प्रोड्यूस इन्ट दे आर पेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दियर वर्क सिफ्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन अच्छा नेक्स्ट क्या था इन कॉस्ट तो लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ और एक्सपेंस दैट इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल तो जो, हो जाते हो, जो ट्रेसेबल हो जाती है वो डायरेक्ट होती है जो डायरेक्टली ट्रेसेबल ना होके बोलते आपका इन डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं टू अब डिपार्टमेंट प्रोडक्ट एक्टिविटी कस्टमर एज अ रिजल्ट इन डायरेक्ट कॉस्ट एंड एक्सपेंसिज आर ऑफन एलोकेट टू द डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल दस एंड द फ्रिजेस बेनिफिट्स ऑफ द डायरेक्ट लीपर्स वर्किंग एक्सक्लूसिवली इन द डिपार्टमेंट अच्छा नेक्स्ट आता है वेरियबल कॉस्ट uh, लिखा हुआ इज द कॉरपोरेट एक्समेट चेंजेस इन द प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन आउटपुट वेरियबल कॉस्ट इंक्रीजेडिंग आपकी इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी प्रोडक्शन प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो हो सकता है कि उसकी कॉस्ट क्यों डिक्रीज हो जाए और प्रोडक्शन अगर कम है तो आपका ज्यादा जो देखने को मिलता है इंक्रीज मिलता है, है किसमें कॉस्ट में आगे लिखा हुआ है प्रोडक्शन वॉल्यूम ठीक है दे दे राइज एज द प्रोडक्शन इक्रीजेज एंड फॉल एज द प्रोडक्शन डिक्रीजेस एक्साम्पल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड द द कॉस्ट ऑफ रॉ मेटर एंड द पैकेजिंग तो इसमें कौन सा आ जाता है आपका रॉ मेटेरियल आ जाता है और पैकेजिंग आ जाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है इट इज अस्ट दट डज नॉट चेंज विद एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस प्रोडक्ट ऑफ द सोल्ड तो जो आपका चेंज ही ना हो जो रेट आपका चेंज ही नहीं होता उसे बोलते फिक्स कॉस्ट जो शुरुआत में थी वही लास्ट में तो फिक्स कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट हैव टू तो बी पे बाय अ कंपनी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी जो आपकी कंपनी को पे करना ही करना होता है ठीक है ना जैसे आपकी वर्कर की सैलरी है एक टाइम पीरियड में तो वो पे करना ही करना है उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपका जो अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन आपका प्रोड्यूस कितना हुआ सोल्ड कितना हुआ उसमें इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ जो चीज़ आपको पे करनी करनी है जैसे आपको आपको एम्प्लॉयज की सैलरी आपको पे करनी होती है तो वो आपका फिक्स कॉस्ट में आपका क्या आ जाता है आ जाता है अच्छा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑन इंडस्ट्रियल सीज ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर डिफरेंट ग्रुप्स तो ये होता है आपका देखो यहां पर देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड है तो ये डिफरेंट जब होता है ना अगर सेम ग्रुप होता है यूनिटरी पॉलिसी आ जाती पर क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो आपका यहाँ पे पुलरिस्टिक जो आपका आती है वो आपके क्या आ जाता है आपका बोल सकते थ्योरी आपको देखने को मिलती है आपका सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में तो लिखा हुआ है Uh, the pluralistic theory. to look at the pluralistic theory sees that the organization as a structure of the different groups. The organization is seen as the multi-structure in the terms of the groups, leadership, authority, and the loyalty. and the various groups that exist in uh, the such structure, most prominent are workers and manager. And issue between them are mostly pay, working condition, bonuses, etc. And it is the on these issue that conflict often occurs. In the pluralistic theory, the relationship between the employees and the workers is one of the conflict, but not to the extent Marxism portrays uh, it. Through trade unions, workers argue for the higher wages, increased benefits, and the better working condition, while the employing the want to keep as much as uh, they can be for the profit. Rather than the violence, however, the two sides negotiate to reach a middle ground or the equilibrium. Okay, next thing, an important part of the theory is that the worker recognize that it is their best. interest uh, for the company to thrive so while they are loyal to the union they are also loyal uh, to the employer employers meanwhile understand that fair wages and the good working condition make employees more productive and the motivating motivate them to work efficiently and be productive ye achhi cheez de rahi hai ki yahan par kya hota hai ki dono taraf se aapko khayal rakhna hota hai Employee को भी रखना पड़ता है employer को भी रखना पड़ता है।, है कि अगर आप uh, good, uh, good working condition कंडीशन चाहते हो तो बदले में आपको क्या आपको फेयर वेगस भी देना पड़ेगा अच्छा लिखा हुआ था डेलीकेट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द इंटरेस्ट बिटवीन द प्रोमेंट इन द 1930 थर्टी ड्यूरिंग द रोजोवेल्ट न्यू डील गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ये आपके रोजोवेल्ट जो थे प्रेसिडेंट रहे हैं आपके थर्टीजोटीज uh, के टाइम पे और ये आपने याद रख रहा है आगे लिखा अमेरिका एंड स्टिल अ पॉपुलर मॉडल एट द मनी कंपनीज टूडे तो प्लूस्टिक थ्योरी जो आपके रखी जाती है वो काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो दिखाती है कि इसको स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स को

हारमोनियसली मतलब यूनिटी के साथ कर सके दूनिटी द यूनिटी प्रस्पेक्टिव ऑन द एम्प्लॉयज रिलेशन इज वन ऑफ द कॉपरेशन इम्प्लॉयज एंड द वर्कर्स आर सीन एज बींग ऑन द सेम टीम्स और इवन द सेम फैमिली इन द थ्योरी कॉन्फ्लिक्टज सीन एज डिस्ट्रेसफुल और द बैड एंड द बोथ साइड्स टाइप फॉर दब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका सेम टीम या इवन द सेम फैमिली की तरह आपका काम करना होता है दोस्त सब्सक्राइब टू दिस थ्योरी एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉय अलाइक डिस्पाइस ट्रेड यूनियंस यूनियन आर प्रोट्रियाड एज एन आउटसाइड Uh, forces that compete for the employees' loyalty and the pits pits employees against the management many small businesses operate with the theory as well as any company where the workers reject the idea of the union, uh, unionizations uh, government that favor the theory will place restriction on the unions or even make them illegal मार्क्सिस्ट भी पढ़ लेते हैं देख लीजिएगा मार्क्सिस्ट इज आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड फ्रॉम द फिलोसफी फिलोसफी ऑफ द जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे आपके जर्मनी के थे

अमेरिका uh, में चलता है पूंजीवाद की उन्होंने घड़ी आ, बोल सकता है घनी आरोचना की है घनी आगे लिखा सोसाइटी एंड स्टेबलाइजर सोसाइटी बेस्ड ऑन द कम्युनिज्म किस पे आपका कम्युनिज्म पे तो विचारधारा जो थी वो थी आपकी क्या कैपिटलिस्ट को हटाकर कैपिटलिस्ट विचारधारा को हटा के कम्युनिस्ट विचारधारा को लाया जाए विच इज अ क्लासिस सोसाइटी विच ईच विल कॉन्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड ईच वेट द अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स मतलब जितना भी पैसा कमाया जाए जैसे पूंजीवाद में क्या होता है कि जितना पैसा कमाया जा रहा है जो जितना काम करेगा उतना वो पैसा कमाएगा पूंजीवादी होता है जबकि जो आपका समाजवादी कम्युनिज्म जो, जो बात की जाती है वो इस तरीके से होता है कि अगर कोई भी पैसा कमा रहा है तो उसे बांटना पड़ेगा भारत में भी थोड़ा बहुत क्या होता है कैपिटलिस्टिक और कम्युनिज्म दोनों का मेल है जो आपका गवर्नमेंट होती है वो टैक्स के हिसाब से आपका क्या कर देती है पैसे ले लेती है और उसे क्या आपका डीपे मतलब बोल सकते हैं सोशल वेलफेयर में लगा देती है अच्छा द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन आल्सो नोन एज द रेडिकल पर्सपेक्टिव्स कंसंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी सराउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन बेसिक बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ द क्लास बिटवीन द एम्प्लॉय जिनको बोला जाता था आपका जर्मन लैंग्वेज में और वर्कर्स बर्ग्य बोला जाता है द द द एम्प्लॉयज ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय पेइंग द वर्कर्स एज लिटिल एज अब देखो सिंपल सी बात है कि इंप्लॉयर क्या चाहेगा इंप्लॉयर चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें प्रॉफिट कमाए प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा तो कम से कम उसे वर्कर को देना पड़े तो इसके खिलाफ से आपके कौन मार्क्स एस ही कैन वाइल्ड स्टाविंग द मोनोपोली ऑफ द इंडस्ट्री टू कंट्रोल द प्राइस तो ये किसके खिलाफ थे आपके मोनोपोली एक अधिकार के खिलाफ थे कि एक कंपनी का राज नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में फोकस ऑन द अर हेंड बिलीव दट दे आर द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड ट्राइव टू गेट दियर फेयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस तो यहाँ पर क्या जाती है उनके हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन बनाई जाती है फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव द इन एबिटेबल रिजल्ट ऑफ दिस क्लैश इज दर्क वर्क रेवोल्यूशन

टलमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो पहले साल आया था आपका दो हजार बीस में तो यह आपका किस रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का सेटलमेंट होता है किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो इसको देखने के लिए कोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट दो हजार बीस में किसकी चर्चा की जाती है तो यह आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की स्थापना की जाती है तो लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल विल लुक इंट द एनी मैटर एंड द सेटलमेंट ऑफ द एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द एक्ट ईच ट्राइब्यूनल विल कंसिस्ट ऑफ द जुडिशियल मेंबर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर तो जो आपका ट्राइब्यूनल होता है ना उनमें आपके दोनों तरीके के मेबर होंगे जुडिशियल भी होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव भी होंगे प्रीवियसली इट वॉज ऑनली वन मेंबर पहले क्या होता था कि आपका एक ही मेंबर होता था नेक्स्ट लिखा हुआ मेजर प्रोविजन अंडर द कोड तो लिखा हुआ था कोड डिफाइंस अ वर्कर एज एनी पर्सन हु वर्क्स फॉर द हायर रिवॉर्ड इट एक्सक्लूड द पर्सन इंप्लॉयड इन दैनेजरी मैनेजरियल और द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ऑफ द सुपरवाइजरी कैपेसिटी विदेगस एक्सिस्टिंग द एटी थाउजेंड या आपका मिनिमम क्या आपका मंथली uh, आपका क्या है uh, बोल सकते हैं आपका मंथली आपका क्या हो सकता है वेगस हो सकता है अठारह हज़ार से नीचे नहीं दे सकते आप किसी को सैलरी मतलब अगर इसे बांट दे तो आठ बोलते हैं छः अठारह छः सौ रुपये से कम किसी की क्या नहीं हो सकती दिहाड़ी नहीं हो सकती लिखा हुआ एवरी स्टेब्लिजमेंट विद द थ्री हंड्रेड और मोर प्रीवियसली हंड्रेड और मोर पहले क्या था आपका कि आपका सौ वर्कर्स के लिए आपका क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट बनता था पर अब कितने के लिए तीन सौ या तीन सौ ज्यादा आपके क्या है जो वर्कर्स है उनके लिए आपका क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट बनता है तो लिखा वर्कर्स मस्ट प्रिपेयर द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द अब कौन कौन से आते हैं तो वर्कर का क्लासिफिकेशन आ जाता है मैनर ऑफ इनफॉर्मिंग द वर्कर्स अबाउट द वर्किंग आवर्स हॉलीडे वेग रेट एंड द पे डेज

ट्रेंचमेंट तो अब देखो ले ऑफ क्या होता है इट रेफर टू एन एम्प्लॉयर्स इन एबिलिटी टू कंटिन्यू गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर ड्यू टू द एडवर्स बिजनेस कंडीशन एडवर्स मतलब होता है जब विपरीत परिस्थिति आपके सामने पे होती है तो किस तरीके से कोई एम्प्लॉयर क्या कर सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है ले ऑफ ये होता है आपका रिट्रेंचमेंट जो होता है इट मींस द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसज ऑफ अ वर्कर फॉर एनी रीजन अदर देन द डिसिप्लिनरी एक्शन रिट्रेंचमेंट में क्या होता है कि uh, जो आपका क्या होता है टर्मिनेशन देखा जाता है सर्विसेज uh, में किसकी वर्कर्स की और ये किसी भी रीजन से हो सकता है या आपने याद रखना है फिक्स टर्म क्या होता है तो टर्म द इंप्लायमेंट क्स इंप्लाइमेंट ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन द वर्कर एंड द आपका आपका क्या होता है? कि आपका fixed होता है कि है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है जब आपका जैसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जब आपके होते हैं इंप्लायज जैसे छह महीने के लिए साल भर के लिए या आपने संविदा वगैरह में देखा होगा ठीक है ना इनमें क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है जैसे ग्यारह महीने होते हैं हटा दिए जाते हैं आपके नेक्स्ट लिखा हुआ है आफ्टर द द ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कर विल गेट द ऑप्शन ऑफ द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट instead of the control the contract labor under they, this they would get the benefit of the hours of the works, salary social security and the other welfare benefits. That defined the negotiating unions and the negotiating council of the negotiation on the behalf of the worker as सोले नेगोशिएटन यूनियन इफ देर इज अ मोर देन देन वन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ द वर्कर फंक्शनिंग इन द्लाइज स्टेब्लाइजमेंट द ट्रेड यूनियन हैविंग द मोर देन द फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द वर्कर्स एज मेंबर वुड भी रेकग्नाइज द सोल नेगोशियेटिंग यूनियन अब नेगोशिएटिंग काउंसिल की अवति तो लिखाओ इन केस ऑफ द नो सोलो नेगोशिएटिंग यूनियन अगर नहीं है देन अगोशियटिंग काउंसिल वुड बी फॉर्मिस यूनियन दट है एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ वर्कर्स एज अ मेंबर तो याद रखिए अगर यूनियन नहीं बना सकते तो आप छोटी सी काउंसिल बना लीजिए जो आपका 20 परसेंट के आसपास आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं 20 परसेंट के आसपास आपके पास क्या होने चाहिए कम से कम आपके पास 20 परसेंट आपके मेंबर होने चाहिए उस काउंसिल के लिए आगे देखो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल विल लुक इन टू एनी मैटर्स एंड द सेटलमेंट ऑफ द एनी डिस्प्यूटिंग आउट ऑफ द एक्ट इस ट्राइब्यनल मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर मैं बता चुका हूँ इन केस ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू टर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर्स द वर्कर में अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल देखो, अगर कुछ भी अगर होता है तो टर्मिनेशन से रिलेटेड वो कहाँ जा सकता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जा सकता है फॉर द एजुके एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट फोर्टी फाइव डेज आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर द कंसिलेशन ऑफ द डिस्प्यू वॉज मेड पैंतालीस दिनों के अंदर क्या होगा उस पर जो भी शिकायत दर्ज की गई उस पर काम करने का uh, काम किया जाएगा द एक्ट हैज प्रोविजन ऑफ द रिस्किलिंग द फंड इट इज टू रिस्किल दोज वर्कर हु आर फाइट फ्रॉम दियर जॉब The contribution will be made from the employers of an industrial establishment amounting to 15 days' wages last drawn by the worker immediately before the retrenchment, along with the contribution from the other sources. Uh, the Act required that prior notice of the 14 days. अब देख लीजिए अगर किसी को कह जाना है स्ट्राइक वगैरह पे जाना है तो इसके लिए दिन याद रखिए 14 दिन पहले क्या देना पड़ेगा आपको एडवांस नोटिस या प्राय़ नोटिस देना पड़ेगा तो be given by the employer before the strike or the lockout. And it prohibits the strike and the lockout under the certain condition Earlier, these provisions were applicable only to the public utility services. dono public or private donor One of the important provisions of the code is that is given extensible power to the government to modify the reject tribunal under the through execution action. It also states that the award passed by the tribunal will, will be enforceable on the expiry of the 30 days. However, the government can defer the enforcement of the award in the certain circumstances on the public ground. अच्छा नेक्स्ट लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट रिलेटिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तो इससे रिलेटेड जो आपका था वो था आपका बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड द सीवरेज बोर्ड वर्सेस द आर राजप्पा एंड द अदर्स ठीक है तो पढ़ लेते हैं देख तो लिखा हुआ है कि द अनप्रेसिडेंटेड मोमेंटस जजमेंट इन द केस विच वॉज प्रोनाउंसड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया स्क्रूटनाइज

Presumptions made in the regard of the definition interstate become the unpredictable in the terming the definition that speculates The great importance as the mechanism for the settlement and the compensation in relation to the interstate dispute can only be resolved in the propos uh, propositions uh, when uh, variation variance related to the industry arises. With the stated uh, principle in the judgment, it annulled numerous past uh, judgments of the Supreme Court, but reduced the burden for the legislature.

ट्रेड इज रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द वर्कमेन देयर इन ऑल्सो एवरी परसन इंप्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द हायर इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट लेबर पार्ट टाइम्प्लॉय कवर्ड अंडर दिस एक्ट ठीक है ना पार्ट टाइम भी होते हैं आपके और आपके कॉन्ट्रेट बेस भी इसके अंतर्गत आते हैं द एक्ट इनकेजर्ट्रेशन आर्बिट्रेशन मतलब होता है मध्यस्था करना ओवर द्यूट बिटीन द इम्प्लॉय एंड दम्प्लॉयज इम्प्लॉयर एंड द्यज इट प्रोवाइड फॉर द सेटिंग ऑफ द वर्क कमिटी इन एनी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिजमेंट विद द वन हंड्रेड और मोर वर्कर्स फॉर द कंसल्टेशन एंड द प्रमोशन कॉर्डियल रिलेशन ये पहले सौ था आप कितना हो गया तीन सौ हो गया ये मैंने आपको बता दिया है फॉर एवरी स्टैब्लिजमेंट इम्प्लाइंग द ट्वेंटी और मोर वर्क मैन एज अवेड रिट्रेसिव कमिटी मस्ट भी सेटअप द रीजन फॉर द डिस्प्यूट कैन भी डिमांड फॉर द हायर बिगस इसके लिए भी हो सकता है डिस्प्यूट का ये भी कारण बन सकता है कि लोग जो आपके वर्कर हैं वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोलें या पेमेंट ऑफ द बोनस जो आपका बोनस मिलता है दिवाली होली या फिर जो भी आपकी क्या होती है Uh, बोल सकते हैं त्यौहार होते हैं उनमें जो बोनस मिलता है हायर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट डिमांड फॉर द गुड्स एंड द सेफ वर्किंग कंडीशन मेथड ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट लिखा होता है कॉन्सुलेशन तीन तरीके होते हैं कॉन्सुलेशन पहले पढ़ा चुका आर्बिट्रेशन इन द एजुकेशन तो लिखा होगा इज अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर कोई बाइंडिंग नहीं होती इन विच अम पार्शल थर्ड पार्टी असिस्ट द पार्टीज टू द डिस्प्यूट इन रीचिंग अ मैचुअल एग्रीड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट अच्छा कॉन्सुलेशन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को आपका नियुक्त किया जाता है थर्ड पार्टी के तौर पर व्यक्ति हो सकता है ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो वो डिस्प्यूट को निपटा सकता है आर्बिट्रेशन क्या होता है इन दिस द आर्बिटरी ट्राइब्यूनल किस में दिया जाता है आपका ट्राइब्यूनल के पास जाता है विच में एक डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एजुकेशन होता द इट द इंटरवेंशन टू द डिस्प्यूट बाय द थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अब यहाँ पर क्या हो जाता है एजुकेशन में आपका क्या जाता है गवर्नमेंट आ जाती है फॉर द पर्पज डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द फाइनल सेटलमेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट द एक्ट इम्पावर द गवर्मेंट टू रेफर द डिस्प्यूट ऑफ द अप्रोप्रियट अथॉरिटी विच इज लेबर कोर्ट अब देखो कौन कौन से कोर्ट हो सकते हैं लेबर कोर्ट एंड द नेशनल ट्राइब्यूनल ये तीन आपने दिमाग में रखने हैं the right to strike and the lockout has been subjected to the restriction as provided in the act. the act prohibits the strikes and the lock, uh, lockout by the workers in the public utility services if the consolation and the arbitration processing proceedings are pending and it empowers the government to take adequate actions and employer uh, who it intend to close down an undertaking need to inform the appropriate government at least 60 days before the date of the closure. this is not applicable when लेस देन द फिफ्टी वर्क वर्कमैन अच्छा कब नहीं हो सकता लेस देन द फिफ्टी वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वैन द एम्प्लॉड इन द प्रसिडिंग द ट्वेल मंथ्स जब आपका बारह महीने हो चुके हूँ बारह महीने के आसपास काम किए हो चुके हों और लगभग लगभग लग आपके पास पचास से कम के वर्कमैन हो टू द अंडरटेकिंग सेट द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड द प्रोजेक्ट एनी अदर एक्सेप्शन प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट कुछ भी हो सकते हैं अच्छा ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम अब नॉन ग्रीन जो होता है जो होता है मतलब जो दूसरे पे क्या करता है आपका फलता फूलता है तो हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं आपके ये होता है आपके क्या फंगस होती है क्या होती है आपकी फंगस होती है भी होती है सेप्रोफाइट्स बोलते हैं आपके क्या होते हैं सड़े गले जहां पर होते हैं वहां पर आपका ये देखने को मिलते हैं ठीक है ना अच्छा पढ़ लेते हैं तो लिखा हुआ है पहले uh, फंस के बारे में पढ़ लेते तो आंसर तो फंग फंगस है तो लिखा फर्स आर द मेंबर ऑफ द वस्कुलर ग्रुप ऑफ द प्लांट विच स्पोर्स एंड हैव द नाइदर सीड्स नो तो ये आपके किस में आते हैं आपके uh, ये आ जाते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स में आ जाते हैं ठीक है ना तो इसमें क्या होता है कि आपके नेगेट आपके क्या नहीं होती है सीट्स वगैरह नहीं देखने को मिलती आपको यार मैंने जिम्नोस्पर्म गलत बोल दिया ये आपके किस में आ जाते हैं ये आपके आ जाते हैं किसमें uh, का क्रिप्टोफाइट्स मतलब में जाते हैं क्रिप्टोफाइट्स मतलब जिनमें क्यों नहीं होता सीड्स वगैरह नहीं लगती दे हैवे स्पेशलाइज्ड टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द न्यूट्रिश एंड द लाइफ साइकिलोफाइट इन द डॉमिनेट फेजिस लीवस आर कॉल देगा फिल्स एंड दर द मोर कॉम्पलेक्स देन माइक्रोफिल्स इन द क्लब मॉसिस मोस्ट ऑफ द फर द लेफ्टोरो जैनिट्स फंस सम फर दूस फर्टिलाइजर्स ऑर्नामेंट प्लांट्स एंड फॉर द के लिए ये आपके रिमे की फोटोज है अच्छा एल की बात करें तो एलगे आपका क्या होता है ये सिम्बियोटिक एसोसिएट में जब फंगस के साथ आता है तो लाइकेंस का निर्माण कर देता है तो देखो एलगे आर क्लासिफाइड एज द ब्लू ग्रीन एल आ जाता है रेड एल आ जाता है ब्राउन एल आ जाता है ठीक है ना प्रायोफाइटा फियोफाइटा और क्या होता है रोडोफाइटा ये आपके नाम होते हैं

अच्छा नेक्स्ट आते हैं फंगस तो फंगस द प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स आते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी अच्छा जो एलगी होती उसकी है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं फाइकोलॉजी बोलते हैं एलगी की स्टडी को और इसकी स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है एग्जाम्पल ऑफ द फंगस आर द ईस्ट मोल्ड्स मशरूम्स सिम्बियॉन्स अदर प्लांट्स एनिमल एंड अदर फंगस पैरासाइट्स इटीसी दे आप काइटिन याद रखना इनकी जो वॉल होती है किससे बनी होती है मेनली आपकी काइटिन से बनी होती है जबकि आपकी जो प्लांट वॉल होती है वो सेलोस की बनी होती है तो याद रखना इसकी वॉल जो आपकी काइटिन से बनी होती है uh, फिर लिखा एथनोमाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल यूजेज ऑफ द सोशियलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ द फंगस नेक्स्ट आता आपका मॉजेस अ फाइलम इज अ नॉन वस्कुलर प्लांट दे डो नॉट ग्रो फ्लावर्स वुड एंड ऑर्डर ट्रू रूट इंस्टेड ऑफ द सीड दे रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्स they have the rhizoids in the place of the roots they are found in the wet environment such as the rainforest wetland and the alpine ecosystem they are approximately the 14500 species of the moss in the world which make the 75% of the bryophyte species to jo first two plants hote hain wo kaun hote hain aapke bryophytes hote hain ye aapne yaad rakhna hai theek hai na और जो आपका roots, आपका roots और जो सूट्स होता है ये आपका clarify हो जाता है कि इसमें आपका टैडोफाइट्स में क्लियर हो जाता है दिखना है स्टार्ट हो जाता है ठीक है ना अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मोडिफिकेशन ऑफ कॉस इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट द वाटर लॉस तो हार्ड होती है वैक्सी लीव होती है बिल्कुल सही हार्ड होती है आपके सख्त होती है कैसी होती है वैक्सी होती है टिनी लीव्स होती है पतली होती है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू आपका जो क्या हो वाटर व्यूबरेशन हो कम से कम हो या फिर आपकी लीव्स होती नहीं उनमें थ्रोन इंस्टेड ऑफ द लीव्स पत्तियों की जगह आपके क्या होते हैं कांटे लगे होते हैं बिल्कुल सही है ये आपका डेजर्ट एरिया में जो पाए जाते हैं इस तरह के पौधे पाए जाते हैं तो ताकि इन्हें कोई ताकि इन्हें कोई जानवर खा ना सके ठीक है ना लीव्स की जगह कांटे होते हैं ताकि जानवर कोई खा ना सके तो आंसर जो बनेगा जो आपका सही है वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है तो लिखा ऑल द ऑप्शन गिवन अबव द करेक्ट एज द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट रीजन जीरोफिटिक जीरो बोला जीरो फाइट्स उन्हें बोला जाता है उन पौधों को बोला जाता है जिनको पानी की कम से कम हो, आवश्यकता होती है लिखा दैट मीनस द वेजिटेशन दैट ग्रोस हेयर हाईलीडेप्टिव टू सर्वाइव इन द लिटल लिक्विड वाटर इन्वायरमेंट तो इनमें क्या होता है लॉन्ग रूट्स होती हैं हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होती हैं थिक बाक्स होते हैं थ्रोन्स स्टेट ऑफ द लीव्स होते हैं टिनी लीव्स देखने मिलते हैं एग्जाम्पल कैक्टस पाइनएपल थ्रोन्स अच्छा हार्ड एंड द वैक्सी लीव इन द रीजन हेल्प इन द प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस अगर हार्ड होगी और वैक्सी होगी तो क्या होगा ये वाटर को लॉस नहीं करने देगी एवोप्रेशन आपका नहीं हो पाएगा थ्रू द एवोपरेशन फाउंड इन द प्लांट विद द वैक्स कोटिंग विच अगेंस्ट द वाटर लॉस प्लांट्स हैव द फ्लैश स्टेम्स दैट हेल्प इन द स्टोरिंग द वाटर लाइक द कैक्टस डीप रूट्स एंड द थ्रोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं ताकि का, का काफ़ी गहराई तक इनकी जड़ें पहुँची होती है ताकि काफ़ी नीचे होता है क्योंकि सूखी जगह में आपको जो ज़्यादातर पानी देखने मिलता है काफ़ी नीचे देखने मिलता है तो वहां से ही पानी को ले लेता है अपना और इन क्या होता है आपके इस तरीके से कांटे लगे होते हैं पत्तियों की जगह ताकि इन्हें कोई खा ना सके आपकी जो फंस होती है या तो क्या होंगी जो पत्तियाँ होंगी काफ़ी छोटी होंगी या आपने याद रखें ताकि कम से कम आपको क्या वाटर लॉस देखने को मिले अच्छा नेक्स्ट आता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट रेशियो तो लिखा लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द टैक्स टैक्स के बाद कितना हो जाएगा भाई प्रॉफिट सॉरी प्रॉफिट ऑफ द टैक्स लिखा हुआ है तो टू लैख थर्टी थाउजेंड प्रोविजन फॉर द टैक्सेशन ट्वेंटी नाइन थाउजेंड तो ठीक है अगर ये आफ्टर टैक्स है और ये टैक्सेशन है तो इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका दो लाख उनसठ हज़ार दो लाख उनसठ हज़ार रुपये ये टोटल आ गया आपका ठीक है ना अब ठीक है सेल्स जो हुई हो वो तेरह लाख की हुई है और सेल्स रिटर्न जो है मतलब जो बिकी नहीं हो वो पचास हज़ार की है तो टोटल कितनी हो जाएंगे पचास हज़ार घटा दूंगा तो ये कितना बारह बारह लाख पचास हज़ार आ जाएगा बस इसी का निकालना है टू लाख फिफ्टी नाइन थाउजेंड बारह लाख पचास हज़ार का कितना परसेंट होता है तो ये देख लेते हैं कितना होता है यार ये आंसर कितना लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ ट्वेंटी पॉइंट सेवन टू परसेंट ठीक है ना आंसर जो बन जाएगा 20.72 ट्वेंटी पॉइंट सेवन टू परसेंट आ जाएगा तो लिखा हुआ है देखो प्रॉफिट ये देख लीजिए पैटर्न टैक्स ये आपका कितना जाएगा टोटल प्रॉफिट बिफोर द टैक्सेशन टू फिफ्टी नाइन थाउजेंड नेट सेल जो होगी सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटा दो सेल्स जितनी की होनी थी पर नेट सेल कितनी होगी सेल्स रिटर्न को हटा दिया जाता है तो बारह लाख पचास हज़ार की अब नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना तो टू लाख फिफ्टी नाइन थाउजेंड थाउजेंड फिफ्टी सॉरी ट्व फिफ्टी थाउजेंड और इंटू हंड्रेड परसेंट कहेंगे ट्वेंटी पॉइंट सेवन टू परसेंट आ जाएगा लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट रेशो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट रेशियो एक्सपेंसिस बिटवीन द नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सिस एंड द सेल्स द रेशो इज अ मेजर ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट इज दराइव एट द आफ्टर द टेकिंग इन टू द अकाउंट बोथ द ऑपरेटिंग एंड द नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड द एक्सपेंसिस इट इज कंप्यूटेड एज द तो मैंने बताया पी बी टी अपॉन नेट सेट इन टू द हंड्रेड परसेंट अच्छा नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ सेल्स के होते हैं टर्म इज यूज फॉर द सेल ऑफ ओनली दो गुड्स डेल्ट बाय द फॉर्म फिनिश्ड गुड्स आर मैंट फॉर द सेल सेल्स रिटर्न आते हैं तो रिटर्न इन वर्ड होते हैं गुड्स सेल व्हेन द रिटर्न बाय द परचेसर्स ड्यू टू द एनी रीजन्स अच्छा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज द कैश इक्वलेंट कैश इक्ुबेंट में यानी कि कैश के जितने बोल सकते हैं कैश के बिल्कुल समानार्थक कौन नहीं आता आपका तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन द बिग बैंक ये तो आता है भाई कमर्शियल पेपर्स आपके आते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू आपके जारी होते हैं और ट्रेजरी बिल्स होते हैं आपके ट्रेजरी बिल अलग अलग, अलग कैटेगरी में आपके फॉल करते हैं ठीक है ना टी बिल्स जिन्हें बोला जाता है हाँ इसके, इसमें नहीं आता कैस इक्विटल में तो ये आपने याद रखा है तो लिखा हुआ है द करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टमेंट तो लिखा हुआ शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड असैट्स विच आर रीडली कन्वर्टेबल इन नोन अमाउंट ऑफ द कैश एंड द आर सब्जेक्ट टू एन सिग्निफिकेंट ट्रिक रिक ऑफ द चेंज इन द वैल्यू आर कॉल द कैश इक्विबल्टेंट शॉर्ट टर्म डिपोजिट इन द बैंक कमर्शियल पेपर्स ट्रेजरी बिल्स कैन भी कन्वर्ट इंड टू द कैश इजिलीवर द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट नोन वेदर दॉर्ट टर्मस एंड द लॉन्ग टर्म एंड इट इज नॉट द कैश इक्ट अभी देख लीजिए इन्वेस्टमेंट को कुछ क्लियर नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट किस तरीके की शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है तो इसको कैश इक्वलेंट में नहीं रखा जाता देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द इफ्फ एंड आउट फ्लोज ऑफ द कैश एंड द कश इक्वेंट फ्राम द वेरस एक्टिविटीज ऑन द एंटरप्राइजेड जूरिंग द पटिकुलर पीरियड As per the AS3, cash comprises cash in the hand and the demand deposit with the banks, and the cash equivalent means the short term, highly liquid investment that are readily convertible into the known amount of the cash, are which are the switch to insignificant risk of the change in the value. The in, uh, investment normally qualifies as the cash equivalent only when it has a short maturity of the say three months or the less for the rate of the acquisitions. Similarity.

आपके सर्टेन कंडीशन में ये प्रोहिबिट करता है बिल्कुल सही जो मैंने आपको बताई थी कंडीशन ठीक है ना तो ये देख लीजिए फोटी डेज का लिखा हुआ है और प्रोविट द स्ट्राइक ठीक है सर्टेन कंडीशन अर्लियर दिस वर एप्लीकेबल ऑन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मैंने बताया था आपके प्राइवेट दोनों में आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है एटीन थाउजेंड मैंने बताया था कि वेगज एक्सीड करना चाहिए एटीन थाउजेंड होना चाहिए जो आपके क्या है? वर्कर्स हैं कम से है, कम तीन सौ या तीन सौ से ज़्यादा जा हैं तब आपका ये क्या करता है आप क्या कर सकते हैं कि यूनियन फॉर्म कर सकते हैं और वर्कर क्लासिफिकेशन ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ले ऑफ़ पढ़ा दिया था रिट्रेचमेंट पढ़ा दिया था ले ऑफ में मैंने बताया था कि जब आपके एडवर्स बिजनेस कंडीशन होती जैसे आपकी कब कोविड के टाइम पे थी तो उस टाइम पे क्या होती है आप किस तरीके से इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं रिट्रेचमेंट होता है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं किसी भी कारण से आप क्या करते हैं टर्मिनेशन टर्मिनेट कर सकते हैं अपने किसको वर्कर को फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होता था जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता था या फिर मैंने बताया था जो आपका क्या होता कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता था उन्हें क्या बोलते फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ठीक है ना आ, फिर मैंने बताया था आपका सोलह नेगोशिएशन यूनियन बताया था मैंने नहीं ये नहीं बताया था चलो ये देख लेते हैं ये पॉइंट पढ़ लेते हैं लिखा हुआ है आपने फिक्स टर्म इंप्लॉयमेंट ठीक है अच्छा लिखा हुआ द एक्ट डिफाइन नेगोशिएटिंग यूनियंस और काउंसिल हाँ दोनों बता दो काउंसिल और यूनियन हां दोनों बता दी थी मैंने आपको यूनियन होती है थोड़ा बड़े लेवल union, में इफ देर इज अ मोर देन द वन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ हैविंग द मोर देन द वर्क एज मेंबर वुड भी रेकग्नाइज सोल नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल कि कम से कम आपके पास बीस परसेंट चाहिए इन केस ऑफ द नो सोल अ नेगोशिएटिंग काउंसिल वुड मेंबर तो यहां पर मोर देन परसेंट होना चाहिए कम बीस परसेंट कम होना चाहिए आपका जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर दोनों तरीके के मैंबर होने चाहिए जो पहले क्या होता था आपका एक ही तरीके मेंबर आपको देखने मिलता था इसका आपका किस में इंडस्ट्रियल ट्राइबूनल में अच्छा फिर फोर्टी फाइव डेज का मैंने आपको बता दिया था डिस्प्यूट uh, जो आपका uh, जो आपका क्या होगा एजुकेशन द डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा वो फोटी फाइव डेज के अंदर होना चाहिए रिस्किलिंग फंड की मैंने बात करती थी फिफ्टीन डेज वेगज मैंने बात कर लिया था एक्सपायरी थर्टीन डेज ठीक है हो गया ये

कर सकता है ठीक है ना बाद में उस प्रोविजन को जोड़ दिया जाएगा और मैंने बताया था कि जो ईस्ट ट्राइब्यूनल होता है उसमें क्या होता है कि जुडिशियल मेंबर भी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर दोनों तरीके के आपको मेंबर देखने को मिलते हैं बाकी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ नेक्स्ट चलते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस रिस्किलिंग फंड अंडर द कोड ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन टी मैं ये बता चुका हूँ इट इज टू रिस्किल हु आर फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब बिल्कुल सही है जिनको नौकरी से निकाला जा चुका है उनके लिए आपका क्या होता है रिस्किलिंग फंड आपका जारी होता है अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्कर तो, कि तो बिल्कुल सही है कि जो वेगस आपका ड्रॉन होगा वर्कर के थ्रू वो आपका कितने दिन का होगा वो अमाउंटिंग होगी आपकी पंद्रह दिन के आसपास की ठीक है ना पंद्रह दिन की होगी ये मैं पढ़ा चुका हूँ देखो ये सारी चीज़ें ये देख लीजिए यहाँ पर था और जो मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड और मोर पढ़ा दिया था और ये देख लीजिए ले ऑफ पढ़ा दिया रिट्रेचमेंट रि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पढ़ा दिया था नेगोशिएटिंग यूनियन काउंसिल दोनों पढ़ा दी थी फिफ्टी वन परसेंट मोर देन फिफ्टी वन परसेंट एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट ये पढ़ा दिया था जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होने चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जब क्या होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए कम से कम फोर्टी फाइव डेज का आपके पास टाइम होना चाहिए मतलब वो आपका टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको सॉल्व की जाती है प्रॉब्लम्स को ठीक है ना अच्छा चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट चलते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट क्योंकि वायरसेज लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ द एनर्जी नेक्स्ट है वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन ऑर्गेन टू अनदर बाय द बायोलॉजिकल वैक्टर ओनली अब जहां पे वैक्टर ये ऑनली आ जाता है वो लगभग लगभग आपका मान के चलिए गलती होता है तो बायोलॉजिकल नहीं होता आपको मैकेनिकल वे में भी आपका क्या होता है वैक्टर आपका ये काम कर सकता है तो थर्ड तो आंसर नहीं होगा ठीक है वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम Uh, ये भी मुझे नहीं लग रहा ठीक है ना क्योंकि तो 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 आ आ नहीं 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 सकता नहीं आ सकता ये तो ये ये आंसर नहीं ये आंसर नहीं ये आंसर नहीं हो तो पहला आपका बनेगा? आंसर होगा 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 क्या बनेगा बनेगा तो चलिए पढ़ लेते लिखा हुआ स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल दैट इज मेड ऑफ द डीएनए वायरस आपका ये तो तो the ये किसको आपका हिट uh, करते हैं तो हो सेल को करते हैं जैसे आपका कोरोना वायरस था कैप्सिड मेड अप ऑफ द प्रोटीन एक्ट एज द प्रोटेक्टिव कोर्ट ऑफ द वायरसेस लाइक द बैक्टीरिया अच्छा इनमें जो होता है कि इनका जो बाहर का जो क्या होता है आउटऑमोस्ट uh, जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है आपकी प्रोटीन की बनी होती है, uh, है. अच्छा लिखा हुआ लाइक बैक्टीरिया वायरसेस कैन बी ग्रो इन सिंथेटिक मीडियम कहीं पर भी हो सकते आर ग्रोइंग इन द लिविंग सेल्स लिविंग सेल के अंदर भी क्या कर सकते हैं uh, के अंदर ही क्या आपका ग्रो करते हैं अरे आपका क्या होता है ये आपका बोल सकते हैं बोल सकते हैं कि जो आपके क्या होता है लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं उनके बीच में क्या होता है ये एक लिंक होता है कि जब ये नॉन लिविंग पे होता है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है और लिविंग सेल्स में होता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है तो मैंने बताया था कि ये दोनों तरीके से आपका करता है जो है वो दोनों तरीके से आपका करता है फैलता है ट्रांसमिट होता है बायोलॉजिकल वैक्टर्स भी होते हैं जैसे आपका कौन है मॉस्किटो हो गया मच्छर हो गया और मैकेनिकल वैक्टर्स भी होते हैं जो आपके जैसे फ्लाइज वगैरह हो गई ठीक है ना अब मॉस्किटो तो क्या करता है काटता है तो उसके थ्रू आपकी क्या हैं तो वायरसेस वगैरह जा सकते हैं खून के अंदर पर मैकेनिकल तरीके से भी क्या हो सकते हैं फ्लाईज वगैरह जा सकती हैं फ्लाई जैसे मैकेनिकल होता है मतलब जैसे मल मूत्र पे जैसे आपकी कोई फ्लाई बैठ गई तो वो इन्फेक्टेड है और वो क्या कर देगी कि मलमूत्र पर बैठ के फिर वही क्या होता है कि आपका जैसे खाने में बैठ गई तो इस तरीके से क्यों? इसे बोला जाता है मैकेनिकल कैन नॉट जनरेट दियर ओन एनर्जी दे द अपने एनर्जी को खुद जनरेट नहीं कर सकते इसलिए तो बोलता हूँ कि ये आपको कैसे होते हैं डेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं क्या होता है नॉन लिविंग थिंग्स पे होते हैं अच्छा नेक्स्ट चलते हैं तो देख लीजिए ये आपके हैं उनके डिफरेंट टाइप्स स्पाइक वायरस ज़्यादातर जो आपको देखने मिलते हैं स्पाइक कोरोना वायरस स्पाइक्स लगे होते हैं इस तरीके एच आई वी जैसा वायरस इस तरीके का देखने मिलता है हेपेटाइटिस बी का वायरस इस तरीके से आपका इबोला वायरस इस तरीके से आपको देखने मिलता है वार्म सेप में देखने मिलता है एडनो वायरस इस तरीके का है इन्फ्लुएंजा इस तरीके का देखने मिलता है रेबीज इस तरीके का आपका बैक्ट्री फेजिज वायरस इस तरीके होते हैं पापिलो पापिलो वायरस रोटा वायरस हारबिज वायरस इस तरीके का आपको देखने मिलता है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट लिखा ऑफ द ट्रांसमीटर इज टू कन्वर्ट ट्रांसमीटर का काम क्या होता है कन्वर्ट करना मैसेजेस सिग्नल प्रोड्यूस बाय द सोर्सेज ऑफ द इनफॉर्मेशन टू दूटेबल फॉर द ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है कि इसका काम ही होता है कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करना होता है ट्रांसमिशन के थ्रू बाय द चैनल रिसीवर का काम क्या होता है रिकंस्ट्रक द रेकनाइजेबल फॉर्म ऑफ द ऑरिजनल मैसेज सिग्नल फॉर द डिलीवरिंग इट टू द यूजर यूजर ऑफ द इनफॉर्मेशन बिल्कुल सही है दोनों सही है आपके पढ़ लेते तो देते हुआ है इन कम्युनिकेशन सिस्टम द ट्रांसमीटर इज लोकेटेड एट वन प्लेस द रिसीवर इज लोकेटेड एट द सम अदर प्लेस कहीं और भी हो सकता है नजदीक भी हो सकता है आपका क्या हो सकता है फार भी हो सकता है दूर भी हो सकता है सेपरेट फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड दैनल इज द फिजिकल मीडियर इम कनेक्ट दैम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम अ चैनल में भी इन द फॉर्म ऑफ द वायर्स और द केबल्स कनेक्टिंग द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर्स इट मे भी वायरलेस द पर्पज ऑफ द ट्रांसमीटर इज टू कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस बाय द सोर्सेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन टू द फॉर्म्स सुटेबल फॉर द ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल तो पहला आपका सही हो जाता है इफ द आउटपुट ऑफ द इनफॉर्मेटिव सोर्स नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक द वॉइस सिग्नल अ कन्वर्ट इट टू द इलेक्ट्रिक फॉर्म फॉर्मो द गिविंग इट एन इनपुट टू द ट्रांसमीटर अच्छा लिखा वैन द ट्रांसमिटेड सिग्नल प्रोपोगेट अलॉन्ग चैनल इट मे गेट द ड्यू टू द चैनल डिस्टॉटेडेक्शन मॉर एवर द रिसीवर्स रिसीवर करप्टेड वर्जन ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल द रिसीवर हैज हैज़ टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग ऑन द रिसीविंग सिग्नल्स it uh, reconstruct a recognizable form of the original message signal for uh, delivering into the uh, it to the user of the information uh, there are two basic uh, modes of the communication point to point and the broadcast the point to point uh, communication mode communication takes place on the link between the signal uh, transmitter and the receiver टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सच मोड ऑफ द कम्युनिकेशन इन कंट्रास्ट इन द ब्रॉकास्ट मोड दे आर द लास्ट नंबर ऑफ द रिवर्स क्रॉसपॉन्डिंग टू द सिग्नल transmitter. ट्रांसमीटर रेडियो एंड टेलीविजन another example ऑफ द ब्रॉडकास्ट मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन इस तरीके से काम करता है देख लीजिए ये ट्रांसमीटर है ये आपका information सोर्स है फिर आपका सोर्स क्या होता है इनकोड होता है फिर आपका चैनल इनकोड होता है फिर आपका modulate होता है आपका फिर आपका चैनल आपका क्या था सिग्नल based है फिर आपका demodulate detect डिटेक्ट होते हैं फिर चैनल डिकोड होते हैं सोर्स डिकोड होते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या हो है सिंक हो जाती है बाहर निकल जाती है रिसीवर के थ्रू अच्छा नेक्स्ट लिखा फॉलोइंग केसेस रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट जजमेंट तो लिखा हुआ है हुसैन बाई कालीकट वर्सेस द अलाथ फैक्ट्री यूनियन केसेस रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ द इंडस्ट्री द कोर्ट सेट दैट द रियल इंप्लॉयर हैड बीन इन द चार्ज थ्रू आउट दोनों सही है बिल्कुल सही हुसैन हुई कालीकट द वर्स फैक्ट्री यूनियन कैस इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ द इंडस्ट्री बिल्कुल सही उसके बाद निकल के आई थी द द कोर्ट दैट रियल एम्प्लॉयर वुड बी द वन हु हैड बीन इन चार्ज थ्रू आउट बिल्कुल सही है रियल इंप्लाय वही होगा जो लगातार आपका क्या था कंपनी में काम कर रहा था लगातार आपका चार्ज पे था लगातार काम पे था तो आंसर बन जाएगा बोथ आर द करेक्ट तो लिखा हुआ है Uh, Indian labour laws seem to be the highly protective on the its unorganized sector with the large number of the legislatures that comes as a result of it. But the reality take uh, talks something different with the labor being the subject of the concurrent list. Concurrent list dono ko power centre or union ko bhi are, state ko bhi. Uh, the case established one of the prime principles of the labor laws concerning the regular employment of the workers in the factory who were initially employed through an intermediary uh, here, independent contractor after the middleman, psi. Uh, away from the responsibility of the giving the employment the supreme court held in the cases where employers produce goods and the services for the business of the another person then this another person would be the employer in order to find out uh, as to the whether it is the employer or not it has to be seen uh, that whether there is a economic control upon the workers and there was the continued employment the real employer uh, would be the one who had been charged throughout अच्छा फिर लिखा हुआ बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड द सीवेज बोर्ड वर्सेज आर राजपा एंड द अदर ये केस जो था आपका तो मैंने बताया था लिखा हुआ द अनप्रेसिडेंट मोमेंटस जजमेंट इन द केस दिस केस ऑफ द प्रोनाउंस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्क्रूटनाइज द डेफिनेशन ऑफ द इंडस्ट्री एज पर द सेक्शन टू ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्ट डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया कैरियड आउट इन द डेथ ऑफ द स्टडी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्रेंसिव मैनर द एज ये पढ़ा दिया यार मैंने आपको सारा ये पढ़ लेना आप लोग तीसरा आता आपका अरकाल गोविंद राज राव वर्सिज दीबा गे गैगी ऑफ द इंडिया लिखा इं, दे दे तो लिखा हुआ है द लेस्टिचर ऑफ द अपलेटमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इंटरेस्ट ऑफ द लेबर टेक्निकली वर्क ऑन द फोर द रेजोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिफोर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फोर्टी सेवन वर्ज द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ये देख लीजिए यह आपको याद कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं तो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है नाइनटीन का एक आपका ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है का इट वज रिमूड बिकॉज ऑफ द लूप हैड इन द फेलियर्स ऑफ द रीज ऑब्जेक्टिव डिटाइडेंट लीडिंग टू द दमेंडेड And the new Act, uh, Industrial Dispute Act, came into the picture. The foundation of the jurisdiction under the Act is the determination of the fact whether an employee is a workman, as per the meaning mentioned in the Industrial Dispute Act. While the deciding the case, the Supreme Court held the basic duties of the worker should be considered first, and the additional duties will be no, bearing on the uh, on the nature of the characters of the person.

इंटरेस्ट ऑफ द ऑल द मेंगनाइजेशन इट एज्यूम देर आर द कॉम्पिटेबल गोल्स एज अ कॉमन परपज एंड सिग्नल सिंगल कॉमन इंटरेस्ट विच मीन दट इफ अब यूनिटी थ्योरी तो मैंने बता दी थी आपकी यूनिटी थ्योरी आपकी इंटरस्ट रिलेशनशिप समझाई थी प्लस्टिक थ्योरी समझाई थी यूनिटी थ्योरी में क्या होते हैं कि आपके जो क्या होते हैं गोल्स होते हैं सेम होते हैं इफ मैनेज इफेक्टिवली दर्गनाइजेशन विल बी फंक्शन हारमोनटी अच्छा एजम्शन अबाउट दलेक्टिव बार्गेनिंग लिखा कलेक्टिव बार्गेट द द इंटरेस्ट इट्स सर्व टू जनरेट द वर्क प्लेस दो दोनों मैंने बता दिए थे कलेक्टिव बार्गनिंग की परिवार से लिखिए इट डिफाइंड एज द नेगोशिएशन अबाउट द वर्किंग कंडीशन एंड द टर्म ऑफ द इंप्लॉयमेंट बिटवीन एंड एम्प्लॉयर और अ ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयर और वन और मोर एम्प्लॉय ऑर्गनाइजेशन ऑन दन हैंड एन दन और द मोर रिप्रजेंटेटिव वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन ऑन द अदर विद्यू ऑफ रीचिंग एंड एग्रीमेंट एजम्पन ऑफ द यूनिटी थ्योरी तो लिखा हुआ है Assumption about the workplace relation. It assumes that the management and the employees share a common interest that management is the one source of the legitimate authority It despises the conflict and the consider it destructive which should be the which should be avoided It thinks that the conflict is caused by the poor management uh, Dissidents agitators or the poor communication it considers trade of trade union consider trade union is a competing and the illegitimate sources of the authority trade union are an unwarranted

तो ये सारी चीज़ें पढ़ा तो दी अभी वर्क वा, वा, प्लेस कॉन्फ्लिक्ट बता दी वर्क प्लेस रिलेशन बता दिए एजमशन अबाउट द ट्रेड यूनियन बता दिया कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको सब चीज़ बता दी मैंने मार्क्सिस्ट विचारधारा मैंने सारी आपको बता दी जिसमें मैंने बताया था कि आ, आपका जो क्या था आ, बोल सकते कैपिटलिज्म वर्सेज कम्युनिज्म के बारे में ये बताते हैं आपका नेक्स्ट आता है फिफ्टी नाइन आता विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेट रिगार्डिंग द साउंड वेव साउंड वेव्स आर द नॉट कैन नॉट ट्रेवलिंग थ्रू द वैक्यूम बिल्कुल सही है आपका वैक्यूम के थ्रू आपकी साउंड वेव्स नहीं चल सकते क्योंकि उनको मीडियम की जरूरत होती है ठीक है ना जा, जैसे आपका चांद पे जो होता है जैसे आपका मून है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे आपका क्या नहीं बनता आपका मीडियम नहीं बन पाता तो वहाँ पे साउंड आपके काम नहीं करती तो साउंड के लिए बहुत जरूरी है कि उसके लिए एक मीडियम होना चाहिए तो वैक्यूम में ये आपके ट्रैवल नहीं करती हैं बिल्कुल सही है द पार्टिकल्स ऑसोलेट अप एंड डाउन अबाउट दियर मेन पोजिशन एज द वेव ट्रेवल्स तो साउंड वेव जो होती है आपकी लॉन्ग डिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं ये लॉन्ग होती है और लॉन्ग होती है तो आगे पीछे आपके क्या करती है ऑसोलेट uh, करती है ना कि ऊपर नीचे ट्रांसवर्स नहीं होती तो ये गलत है और लिखा इन द गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन द स्पीड ऑफ द साउंड चेंजेस ड्रास्टिकली विद द चेंज इन द फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी चेंज होने पर आई थिंक सही है फर्स्ट एंड थर्ड नहीं गड़बड़ है नहीं 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 हाँ 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 हा, दिमाग में आ गया फ्रिक्वेंसी चेंज होने पर आपका जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो चेंज नहीं करता मतलब आपका जो फ्रिक्वेंसी है उस पर स्पीड आपकी क्या नहीं करती डिपेंड नहीं करती हाँ यार डिपेंड नहीं करती तो, तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट ओनली तो मैं पढ़ लेता हूँ देखो लिखा साउंड इज द मैकेनिकल वेव्स कैसी वेव है मैकेनिकल है और वेव्स एंड द नीड अ मटेरियल मीडियम लाइक द एयर वाटर इन द स्टील्स फॉर इट्स प्रोपगेशन इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम इन दीज वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोगेशन मैंने बताया था पैरेलल शिफ्टिंग होती है ना कि आपका कैसा होता है परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स में देखने को मिलता है द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड द फोर्थ अबाउट देयर पोजिशन ऑफ द रेस्ट दिस इज एक्जैक्टली हाउ साउंड वे प्रोपोगेट थैंस साउंड वेव आर द लॉन्ग टिट्यूडल वेव्स द स्पीड ऑफ द साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर द ऑल द फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सही है फ्रिकवेंसी तो उसका कोई लेना देना होता है, नहीं है तो आपकी जितनी फ्रिक्वेंसी होती है उनमें क्या होती है आपकी जो साउंड ऑफ द स्पीड होती है स्पीड ऑफ द साउंड जो आपकी स्पीड ऑफ द साउंड होती है वो सेम रहती है अच्छा देर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ द वेव का ऑल द ट्रांसवर्स वेव्स जो आपकी होती है ये भी मैकेनिकल वेव्स होती है तो जिनका ऑसलेसेशन होता है वो पर, आपका जो प्रोपोगेशन होता है

मैकेनिकल uh, में अगर बात करें तो एक वाइब्रेशन uh, टाइप में आपका देखने मिलता है मतलब वाइब्रेशन के हिसाब से देख सकते हैं और एक एनर्जी ट्रांसफर के द्वारा देखा जा सकता है वाइब्रेशन के थ्रू देखेंगे तो ट्रांसफर्स वेव्स आते हैं लॉन्ग ट्रिड्यूनल वेवस आती हैं ट्रांसफर्स क्या आपका परमेटिकुलर आपका क्या होती है वाइब्रेट करती है जबकि लॉन्ग ट्रिड्यूनल आपके पैलल आपकी चलती है एनर्जी ट्रांसफर के हिसाब से देखेंगे तो एक होती है स्टैंडिंग वेव्स होती हैं प्रोग्रेसिव वेव तो ये क्या करती है स्टैंडिंग वेव जो होती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इन द मूवमेंट आपका क्या करती है फ्लो करती है जबकि आपका प्रोग्रेसिव वेव जो होते हैं इनमें क्या होता है ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम आपको देखने को मिलता है अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉलोइंग किचन सब्सटेंस कैन बी ऑल ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो ये आपका होता है कौन सा अनियन होता है और अनियन में जो स्मेल होती है किसकी होती है आपकी सल्फर की ये आपने याद रखना है सल्फर की स्मेल आपको देखने मिलती है प्रत्यक्ष गंध जो होती है तो लिखा है एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर सब्सटेंस हुज स्मॉल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द वेदर इट इज मिक्स विद द एसिडिक और द बेसिक सॉल्यूशन याद रखना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर किसके लिए होता है आपका एसिडिक एसिडिटी और बेसिसिटी को देखने के लिए होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैन बी यूज इन द लेबोरेटरी टू टेस्ट द वेदर सॉल्यूशन इज बेस और एन एसिड अ प्रोसेस कॉल द ऑल फैक्ट्री टाइट्रेशन दो सब्सटेंसेज हुज स्मेल ऑड जो आपका क्या होती है जो होती है चेंज इन देशिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन आर कॉल द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स अनियन एक्सट्रैक्ट एंड द वैनला एक्ट्रैक्ट आर द टाइप्स ऑफ द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर टू सब्सटेंस आर द अनियन इज अ ग्रेट स्मेल अ ग्रेट स्मेल वैन अ बेसिक सोल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडिड द अनियन स्मेल कैन नॉट बिटेक्टेड बट एन एसिडिक सोल्यूशन लाइक द एसिड डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ द अनियन वनीला इज अ कैरेट्रिस्टिक स्मेल इफ द बेसिक सोल्यूशन लाइक द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडिड टू वनीला इट कैन डिटेक्ट तो सिंपल सी बात है जब आपका बेसिडी के साथ आपका क्या होता है ये मिलाए जाते हैं बेसिक सॉल्यूशन uh, के साथ तो ये क्या करते थे आपके स्मेल नहीं लग, डालते जबकि आपका क्या करते हैं जब इन्हें uh, आपका बोल सकते हैं एसिड्स होते हैं जैसे एसिल के साथ किया जाता है तो इनकी स्मेल आपकी हटती नहीं है तो एक तो लिटमस पेपर के लिए आपने याद रखना है कि लिटमस पेपर में क्या होता है कि आपका नॉर्मल जो होता है तो लिटमस पेपर क्या होता है कि जब एसिडिक मीडियम होता है तो उसका रंग कैसा पड़ जाता है रेड पड़ जाता है और बेस मीडियम में कैसे पड़ जाता है ब्लू पड़ जाता है टर्मिक सॉल्यूशन जो आपका येलो देखने को मिलता है वो एसिड में आपका येलो ही रहता है चेंज नहीं करता कलर पर जब बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या हो जाता है डीप रेड हो जाता है लाल पड़ जाता है बीटरूट जूस की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नेचर कलर होता है पर्पल होता है एसिडिक इन्वायरमेंट में वो बदलता नहीं है जबकि बेस इन्वायरमेंट में येलो पड़ जाता है रेड कैबेज जूस की अगर बात करें पर्पल कलर का होता है तो एसिड इन्वायरमेंट में वो पिंक रेड का पड़ जाता है जबकि बेस इन्वायरमेंट में ग्रीन येलो कलर का हो जाता है चाइनीज रूस रूस सॉल्यूशन होता है रेड कलर का होता है तो एसिडिक मीडियम में ये मेजेंटा कलर देता है जबकि बेस का में आपका ग्रीन देखता है तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके कुछ देखने को मिलता है तो ये हो गया आपके लगभग साठ क्वेश्चन तक खत्म हो गया साठ क्वेश्चन और बच्चे में कोशिश करूंगा एक और वीडियो आज शाम तक डालने के इससे रिलेटेड तो इसका जो पीडीएफ है मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें शेयर करें चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई जितनी भी आपको वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए हम फेसबुक पर वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी हमें वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जय जय भारत